नाइन। अच्छा ये बिल्कुल भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, ठीक है। अब इससे कुछ मिसिंग फिगर्स हैं, ये हमें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट वाले में क्या कॉस्ट मालूम करनी है, नेट बुक वैल्यू, कैश पेमेंट, एक्यूमुलेटेड। अच्छा पहले हम वो लिख लेते हैं, लॉस गेन की कैलकुलेशन का फॉर्मेट अभी कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट है, अच्छा डिस्पोजल और एक्सचेंज दोनों में लॉस गेन की कैलकुलेशन का फॉर्मेट सेम होगा। इसको लिख लेते हैं यहां पर पहले, ठीक है। इसमें आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपके पास आ जाएगी नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू से लेस करेंगे ट्रेड इन अलाउंस, आपके पास लॉस गेन आ जाएगा ना। लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जब वन पे आ जाए पहले, वन इसमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ओल्ड मशीन की कॉस्ट है, के बाद नेट बुक वैल्यू फाइंड करनी है, नेट और ठीक है कैश पेमेंट है, कैश पेमेंट का फॉर्मूला अलग है ना। अच्छा ये भी लिख लेते हैं, कैश पेमेंट के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला क्या था, कैश पेमेंट के लिए कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस ट्रेड इन अलाउंस। यहाँ लिख लेते हैं, कैश पेमेंट के लिए हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस करेंगे इसमें से ट्रेड इन अलाउंस, कैश पेमेंट आ जाए। ठीक है, अच्छा पहले इसके यहाँ कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब गिवन के हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 40,000, माइनस होगा के बाद ट्रेड इन अलाउंस 1 लाख माइनस होता है, तो गेन हुआ है कितना, 40,000 का गेन 40,000। कैश पेमेंट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डी वी 2 लाख, सही। ओके तो पहले बुक वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आप रिवर्स कैलकुलेशन होगी, 40,000 में 1 लाख ऐड करेंगे, बुक वैल्यू आ जाएगी 1,40,000। जब इस 40,000 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड कर लेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन आ जाएगी। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, कैश पेमेंट, तो कैश पेमेंट का फॉर्म लगे कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस ट्रेड इन अलाउंस, ये ट्रेड इन अलाउंस हमने ऊपर लिखा हुआ है 1 लाख, 1 लाख माइनस करेंगे कैश पेमेंट आ जाएगी 1 लाख, ठीक। कॉपी कर लें, हाँ कहीं पे रिवर्स कैलकुलेशन कहीं पे फॉरवर्ड होगी। अच्छा ओके सेकंड कॉपी कर लें,
क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, जिसके बाद अब एमसीक्यू से आ गए। ठीक मिनट, ओके 9 के बाद अब आ जाए एमसीक्यूज पे। ये हमने कुछ एमसीक्यूज किए थे ना, 1 से कहाँ तक हो गए थे, 11 तक, नहीं 12 हो गए थे, मैं 12 तक कर लिए थे। अच्छा 12 तो ठीक है, इसको देखते हैं अभी। 13 14 पे आ जाए पहले, ऐसे नंबर ये एमसीक्यूज पे आ जाए। 13 14 ये एक्सचेंज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आप लोग सॉल्व करें, फिर इसको चेक करते हैं। 13 14 13 14 13 में लॉस गेन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसमें देख लें ओल्ड मशीन की कॉस्ट कितनी है, 12,000। ओल्ड मशीन की कॉस्ट है 12,000, माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,856, कि नेट बुक वैल्यू आ जाएगी कितनी आ रही है, 6142, 6144। इसके बाद ट्रेड इन अलाउंस माइनस करेंगे, ट्रेड इन अलाउंस कितना है, 4430, तो लॉस गेन आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1714। लॉस होगा गेन, लॉस हो जाएगा लॉस ऑन एक्सचेंज। अच्छा सेकंड में 14 में क्या, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ न्यू मशीन, तो पहले हमें न्यू मशीन की कॉस्ट चाहिए होगी। न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 16,000 कैसे आएगी। अच्छा कॉस्ट गिवन नहीं है तो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, पहले इसमें ये पेमेंट है बाय चेक 11,570, इट हो गया 11,570। ट्रेड इन अलाउंस कितना था, 4,430। कॉस्ट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर लेंगे, कॉस्ट आ जाएगी 16,000। अब इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे न्यू मशीन का, मेथड कौन सा यूज करना है, रिड्यूसिंग है, फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, न्यू मशीन है तो पहले साल का एक्यूमुलेटेड 0 होगा ना, इनटू परसेंटेज कितनी, 20%, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 3,200। ये 14 का आंसर होगा, 3,200 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, डिस्पोजल ऑफ एसेट पढ़ ली हमने, एक्सचेंज ऑफ नॉन करेंट एसेट पढ़ ली है ना, ये टॉपिक तो हो गया कंप्लीट। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो हम वापस चलते हैं, क्वेश्चन 9 हमने किया था, 10 पे आ जाएंगे दोबारा। जी क्वेश्चन, हाँ 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अ बिजनेस परचेज अ नॉन करेंट एसेट कॉस्टिंग 12,000 विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 4 ईयर एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 1,000, इट यूजेस द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। द बिजनेस डिसाइड्स आफ्टर 2 ईयर्स दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट हैज बीन अंडर एस्टिमेटेड। अच्छा 2 ईयर्स बाद ये ने रियलाइज हुआ है कि लाइफ अंडर एस्टिमेटेड है, एंड इट स्टिल हैज 5 मोर ईयर इन यूज टू कम, ये एसेट अभी भी 5 ईयर और यूज हो सकता है, तो मेकिंग इट्स टोटल लाइफ 7 ईयर, तो टोटल लाइफ कितनी हो जाएगी, 7 ईयर। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। अच्छा ये पता कब रियलाइज कब हुआ हमें, 2 साल के बाद, तो पहले 2 साल का जो डेप्रिसिएशन है वो तो हम इसी बेस पर कैलकुलेट करेंगे 4 ईयर लाइफ की बेस पे, फिर 3rd ईयर से आपका डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा। ओके okay. ईयर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड,
इसका फॉर्मूला आ गया कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट कितनी है? 12,000। लाइफ 4 ईयर। स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू 1,000। वैल्यू स्पोर्ट करते हैं, 12,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाय 4, ये तो ईयर वन का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 2,750। ओके, इसको कॉपी कर लें। अच्छा, ये हो गया ईयर वन। अब ईयर टू, ईयर टू का डेप्रिसिएशन भी सेम ही रहेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, 2,750। कॉपी कर लें तो पैसे चाहिए। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, यहां से पढ़ते हैं। द बिजनेस डिसाइडेड आफ्टर 2 ईयर्स दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट हैज बीन अंडर एस्टिमेटेड। वो जो हमने 4 ईयर लाइफ एस्टिमेट की थी वो अंडर एस्टिमेटेड थी, एंड इट स्टिल हैज 5 मोर ईयर इन यूज टू कम। कभी भी एसेट 4-5 ईयर और यूज हो सकता। अब लाइफ इंक्रीज हो गई ना तो डेप्रिसिएशन आपका चेंज होगा, थर्ड ईयर से डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा। अच्छा, क्या चेंज आना चाहिए आपके ख्याल में थर्ड ईयर में, आप क्या करेंगे? लाइफ 7 कर दें, 7 से डिवाइड करें जी, 5 से डिवाइड करें। अच्छा, इसको उधर रफ में करते हैं पहले, तब चीजें आपको बताता हूँ क्या क्या पॉसिबल, बताता हूँ सही आंसर क्या होगा। अगर हम लिखें यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अच्छा एक बात बताएं, इस एसेट की कॉस्ट कितनी है? 12,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? अच्छा, अब इसकी जो होल लाइफ होगी एसेट की 7 ईयर ना, लाइफ कितनी हुए 7 ईयर, तो होल लाइफ का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? 11,000 जी, 11,000। क्या ख्याल है? ये 7 ईयर्स की लाइफ है, 7 ईयर्स के अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड करें, एक्यूमुलेट करें, टोटल कितना बनेगा? एक आंसर आया 11,000। होल लाइफ का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी है? स्क्रैप वैल्यू कितनी है? ये तो हमें जब डिस्पोज करेंगे मिल जाएंगे ना। बाकी एक्सपेंस कितने होंगे हमारे? 11,000 होंगे ना, ठीक है। तो 7 ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनेगा इसका 11,011, ठीक है। अच्छा, अब जरा आते हैं इधर चेक करते हैं। अब आप कह रहे हैं इसमें क्या होना चाहिए, 12,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाय 7 कर दें, आंसर क्या आएगा? 11,571। अच्छा, अब ये 1,571 कितने ईयर तक चार्ज होगा? 5 साल, 5, रिमेनिंग लाइफ 5 है ना, 2 साल तो गुजर गए। अच्छा, जरा 1,571 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 साल गुजर गए, ऐड कर लें इसमें 2,750, 2,750, 13,355 गलत हो गया आंसर। कॉस्ट कितनी है? 12,000 एक्यूमुलेटेड 13,000 कॉस्ट से ज्यादा पॉसिबल, तो ये होना कितना चाहिए? 11,000 एग्जैक्ट, तो ये हो गया गलत। अब आ जाए इधर, अब आप कह रहे हैं 5 से डिवाइड करके देखें, 12,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाय 5, आंसर 2,200। ये कितने ईयर तक चार्ज होगा? 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5, इसमें लास्ट 2 ईयर्स का ऐड करें, 2,750 प्लस 2,750, 16,500। ये भी रॉन्ग हो गया नहीं, अब करेंगे क्या वो बता देता। देखिए एसेट की कॉस्ट कितनी है? 12,000, 2 ईयर यूज कर चुके हैं, 2 ईयर्स का एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कितना है? 2,750 प्लस 2,750, 5,500। अब इसकी वैल्यू क्या रह गई? 2 ईयर्स में हम 5,500 से यूज कर चुके हैं, तब वैल्यू रह गई 6,500, इसकी नेटबुक वैल्यू आ गई ना।
तब हमें 12,000 को फर्दर डेप्रिशिएट करना चाहिए या 6,500? तब हम 6,500 को फर्दर डेप्रिशिएट करेंगे ना उसके रिमेनिंग लाइफ में 5 ईयर्स, ठीक है, तब ये एक चेंज आएगा इसमें। अब फॉर्मूला क्या होगा इसमें देखिए, अब लाइफ रिवाइज हो रही है तो फॉर्मूला भी रिवाइज होगा। अब फॉर्मूला बन जाएगा नेट बुक वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन रिमेनिंग लाइफ, ठीक है। तब कॉस्ट की जगह बुक वैल्यू आ जाए, वैल्यू कितनी है 6,500 माइनस 1,000 अपॉन रिमेनिंग लाइफ 5, ये थर्ड ईयर का रिवाइज एप्रिसिएशन आएगा 1,100। अब 1,100 चार्ज होगा 5 ईयर तक, 5 से मल्टीप्लाई करें 5,500, पिछले 2 साल का ऐड कर लें 2,750 प्लस 2,750 का एग्जैक्ट 11,000 आंसर। तब ये पॉइंट याद रखिएगा, जब लाइफ रिवाइज होगी तो फॉर्मूला भी चेंज होगा, और चेंज क्या आएगा, कॉस्ट की जगह नेट बुक वैल्यू आ जाए। तो पहला भी ये नेट बुक वैल्यू लिख लें, लिख लीजिएगा पहले कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू, तो अभी एक नया पॉइंट है इसमें कि लाइफ अगर रिवाइज हो रही है तो फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाए। अब ये डेप्रिसिएशन कॉपी कर लें, लिख लें, कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन इलेवन में क्या, जैकब हैज परचेज्ड एन एसेट फॉर $1 लाख ऑन 1 जनवरी, इट हैड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 ईयर, ओके, यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 20% है। अच्छा, ऑन 1 जनवरी 2003 इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, पहले मेथड कौन सा था, रिड्यूसिंग, और अब हो गया स्ट्रेट लाइन, अब मेथड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 2001 में परचेज किया, 2003 में चेंज, तो 2001 और 2 का डेप्रिसिएशन तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेट करेंगे, फिर 3 में मेथड चेंज होगा स्ट्रेट लाइन। तो पहले फर्स्ट 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, रिड्यूसिंग बैलेंस में। ओके, कॉस्ट कितनी है 1 लाख, और एक्यूमुलेटेड कितना होगा, पहला साल है 0, और कितना परसेंट है रेट 20%। ईयर 1 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा 20,000, कॉपी कर लें 20,000। ईयर 2 में कॉस्ट तो वही रहेगी, एक्यूमुलेटेड कितना हो जाएगा 20,000, और उसका 20% 16,000 आ जाएगा ईयर 2 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कॉपी कर लें। ठीक, अच्छा, अब ईयर 3 से मेथड चेंज हो रहा है, ठीक है, रिड्यूसिंग से आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर, तो अब इसमें क्या होगा, वही करना है आपने, कॉस्ट में से पहले हम 2 इयर्स का एक्यूमुलेटेड माइनस कर देंगे, बुक वैल्यू आ जाएगी, बुक वैल्यू को फिर डेप्रिशिएट करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। ईयर 3 में आप स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला यूज होगा ये वाला, नेट बुक वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन रिमेनिंग लाइफ, ठीक। तो अब बुक वैल्यू क्या होगी, अब 1 लाख में से 20,000 माइनस करें, फिर 16,000 माइनस कर देंगे, तो 64,000 रह जाएगी नेट बुक वैल्यू, और रिमेनिंग लाइफ क्या होगी, अब एक एस्टिमेटेड लाइफ कितनी थी 5 इयर्स, 2 इयर्स हमने यूज कर लिया, तो रिमेनिंग लाइफ 3 इयर्स, तो अब इसे हम डेप्रिशिएट करेंगे 3 इयर्स में, और इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है 0, बैलेंस पुट करते हैं, थर्ड ईयर का रिवाइज डेप्रिसिएशन आ जाएगा 21,330, तो ये एक नया पॉइंट हो गया। अब इसमें क्या मेथड चेंज हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 12,
ये रीड कर लें। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अब इसमें तो क्या लिखा, कंपनीज पॉलिसी एज रिगार्ड्स डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरीज टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट 20% पर ईयर ऑन कॉस्ट। 20% पर ईयर ऑन कॉस्ट है। अच्छा, विद प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन फॉर आइटम्स परचेज्ड और सोल्ड ड्यूरिंग अ ईयर। कंपनीज प्लांट एंड मशीन एट कॉस्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर इज शोन बिलो। अच्छा, एक टी अकाउंट दिया हुआ है, अक्टूबर 1 ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, फिर अप्रैल 1 एडिशन मतलब परचेज 50,000 का प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, 30 जून को ट्रांसफर टू डिस्पोजल 40,000 की प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोज हो गई, और क्लोजिंग बैलेंस है 2,10,000। रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट शुड बी द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूडिंग एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर। 1 ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर, मेथड कौन सा है, 30% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट अकाउंट बना हुआ है, 30% लगाएंगे डेप्रिसिएशन आ जाएगा। लेकिन अब पॉलिसी यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन फॉर आइटम्स परचेज्ड और सोल्ड ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, तो अब ये किस तरह सॉल्व होगा, ठीक, देखिए 1 अक्टूबर को ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 2 लाख का, एडिशन कब हुआ है, न्यू प्लांट कब परचेज की हमने, 1 अप्रैल, तो इट मींस अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक हमने 2 लाख की मशीनरी यूज की है, 2 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। उसके बाद न्यू मशीन आ गई 50,000 की, 2,50,000, या फिर अप्रैल से लेकर डिस्पोजल कब हो रहा है, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स हमने 2,50,000 की मशीनरी यूज की, उसके बाद 30 जून को 40,000 की मशीन डिस्पोज हो गई, तो बैलेंस क्या बचा 2,10,000। तो फिर जुलाई अगस्त सितंबर लास्ट 3 मंथ हमने 2,10,000 की मशीनरी यूज की होगी। ठीक है, तो इस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, इसको सॉल्व करवाता हूँ मैं, डेट वाइज चलता है। ईयर स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर 1 से, यहां लिखते हैं अक्टूबर 1, चेंज कब आ रहे हैं, अप्रैल में, इट मींस के मार्च 31 तक यूज किए कितने, 2 लाख की मशीनरी यूज की है, 2 लाख का 20%, और ये कितने मंथ्स हुए अक्टूबर से मार्च तक, 6 × 6/12 कर देंगे, तो ये फर्स्ट 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाए, कितना आएगा 20,000। अब 1 अप्रैल को क्या हुआ, न्यू प्लांट हमने परचेज किया, तो अप्रैल 1 पे आपका एसेट्स कितने होगा, 2,50,000, 2,50,000 का 20% और फिर मंथ्स। अब नेक्स्ट चेंज कब आ रहे हैं, जून 30 को एसेट डिस्पोज कर रहे हैं, तो अप्रैल से लेकर जून 30 तक कितने मंथ हुए, 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स हमने 2,50,000 की प्लांट एंड मशीनरी यूज की, तो डेप्रिसिएशन भी 3 मंथ्स का चार्ज हो जाएगा, ये कितना आ रहा है 12,500, ये नेक्स्ट 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा। अच्छा, 30 जून पे हमने एक 40,000 का प्लांट डिस्पोज कर दिया, तो बाकी कितने रह गए, 2,10,000, यानी जुलाई 1 पे, अभी 250 में से 40,000 माइनस करेंगे तो 2,10,000 रह जाएगा, इसका 20%। ईयर एंड कब हो रहा है, सितंबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर कितने मंथ्स हुए, 3, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3/12 से, ये लास्ट 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, कितना 10,500, तो 1 ईयर कंप्लीट हो गया। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ये 6 मंथ प्लस 3 9 हो गए, प्लस 3 12 मंथ,
1 ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा टोटल करें? 43,000। ये होगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्लियर? कॉपी कर लें। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि एडिशन पहले हो रहा है या डिस्पोजल पहले। इसमें एडिशन पहले था, डिस्पोजल बाद में। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पहले डिस्पोजल हो, एडिशन बाद में। तो इसमें आप क्या करेंगे, फिर पहले माइनस करेंगे, बाद में ऐड कर लेंगे। जैसे अगर यहाँ पे डिस्पोजल पे डेट होती है अप्रैल 1 और एडिशन की डेट होती है जून 30, फिर क्या करते हैं? पहले माइनस करते और बाद में ऐड कर लेते। इस तरह के क्वेश्चन आपने डेट का ख्याल रखना है कि एडिशन पहले हो रहा है या डिस्पोजल पहले। कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, इसमें एक नया पॉइंट है, आप वो समझ लें। देखिए, क्या वैन अवैन बॉट फॉर अ बिजनेस कॉस्ट 70,000, एक्सपेक्टेड लाइफ 5 ईयर्स है, स्क्रैप वैल्यू 2,000, ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कआउट डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज फॉर 5th ईयर। अच्छा, 5th ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में तो हर ईयर का डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। ठीक, एक बार कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल्स टू कॉस्ट कितनी है? 17,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 2,000 डिवाइडेड बाय लाइफ 5 ईयर। आंसर बताएं, 3,000 पर ईयर। तो स्ट्रेट लाइन में तो हर ईयर का डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, 3,000। ठीक है। अब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेट करें। रिक्वायरमेंट है 5th ईयर का बताना है ना। अब आ जाए ईयर 1 पे। ईयर 1 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कॉस्ट है 17,000, एक्यूमुलेटेड ईयर 1 में 0, और रेट क्या दिया है जैसे 35% है। ठीक है, 35% कितना बन रहा है? 5,950। ईयर 2 कॉस्ट वही रहेगी 17,000, एक्यूमुलेटेड हो जाएगा 5,950 इंटू 35%। इसका आंसर बताएं, 3,867। तो जाने, तो कैसे राउंड ऑफ कर देते हैं फिर। ईयर 3 अब एक्यूमुलेटेड बताएं, 2 ईयर्स का कितना हो जाएगा? दोनों ऐड कर रहे हैं, 9,816, 9,817, 35%, 2,514। ईयर 4 एक्यूमुलेटेड तीनों ऐड कर लें, 35%, 1,634। ईयर 5। अच्छा, अब इसमें देखें, यहां पे समझ लीजिएगा, अगर हम ये सेम फॉर्मूला यूज करें, आंसर क्या आएगा? एक्यूमुलेटेड बताएं, 1,365 इंटू 35%, 1,062। ये जो आंसर हमने कैलकुलेट किया ईयर 5 का 1,062, ये आंसर रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग क्यों है? देखिए, अब ये एक मशीन है,
जिसे हम किसी भी मेथड से डेप्रिशिएट करें, कि होल लाइफ का 5 ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 15,000 होगा, ठीक है। 17,000 कॉस्ट है, 2,000 स्क्रैप वैल्यू है, तो 15,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। अब इसे किसी भी मेथड से डेप्रिशिएट करें, एक्यूमुलेटेड 15,000 आना चाहिए। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में एनुअल कितना आ रहा है? 3, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। रिड्यूसिंग में चेक करते हैं, इन पांचों को ऐड करें तो ये बन रहा है 15,027। 27 ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये भी एग्जैक्ट 15,000 आना चाहिए, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, इसमें ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक। तो इसके लिए हम करते क्या है, जब हम लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना, लास्ट ईयर ऑफ लाइफ यानी कि 5th ईयर यहाँ पे है ना, उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। लास्ट ईयर ऑफ लाइफ यहाँ पर ये ईयर 5 है, उसमें क्या होगा, फॉर्मूला अब चेंज होगा, रिवाइज होगा। और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हम लेंगे कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इसमें अब हम मल्टीप्लाई, इसको बजाय लाइफ से मल्टीप्लाई करने के बजाय अब इसमें से हम स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू पहले माइनस करते हैं फिर डेप्रिशिएट करते हैं, रिड्यूसिंग में स्क्रैप वैल्यू लास्ट में माइनस। अच्छा, कॉस्ट वही रहेगी 17। अब ये 4 ईयर का एक्यूमुलेटेड कितना था, 1, 3, 9, 6, 5। अब स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 2,000 माइनस करते हैं। अब बताएं 5th ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 1,035, ठीक। अब इन पांचों को ऐड करके देखें, एग्जैक्ट 15,000 आंसर आ रहा है। अब आंसर आ गया, ठीक, तो ये सही हो गया, ठीक। तब ये एक पॉइंट याद रखिएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर आपसे वो लास्ट ईयर ऑफ लाइफ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को कहता है तो फॉर्मूला फिर चेंज। और ये सिर्फ लास्ट ईयर ऑफ लाइफ के लिए है, लास्ट ईयर ऑफ यूज के लिए नहीं है। जैसे 5 ईयर की लाइफ है, 3 ईयर यूज करने के बाद हमने डिस्पोज कर दिया तो 3rd ईयर में फॉर्मूला चेंज नहीं। 10 ईयर लाइफ है, 7 ईयर यूज करने के बाद डिस्पोज कर दें तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ठीक। ये सिर्फ लास्ट ईयर ऑफ लाइफ के लिए है, ठीक है। 5 ईयर लाइफ है तो 5th ईयर, 10 ईयर लाइफ है तो 10th ईयर, 20 ईयर लाइफ है तो 20th ईयर, तो लास्ट ईयर ऑफ लाइफ में चेंज करें। कॉपी करें, 13 हो गया। अच्छा, अब आते हैं, अभी हमने एमसीक्यू पे आ जाए, ठीक है। 14 तक हो गए, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है वो फिर चेंज है, उसमें फिर एक पॉइंट है, ये समझा देता हूँ, बता 15, ठीक है। ओके, रीड कर लें, थोड़ा सा लेंथी है ये, एग्जाम पेपर में भी है क्वेश्चन, नहीं वो बात में करते हैं। अच्छा, अब ये प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट का बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे दिया है, सितंबर 2000 है। अब ये ड्यूरिंग 2001, अच्छा लिखा हुआ है प्लांट विद अ रिटेन डाउन वैल्यू। रिटेन डाउन वैल्यू की क्या होती है, इसका दूसरा नाम एनबीवी, नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू को रिटेन डाउन वैल्यू भी कहते हैं। अच्छा, सोल्ड फॉर 49,000, ओरिजिनल कॉस्ट 8,000। अच्छा, ये सारी डिस्पोजल की इंफॉर्मेशन आ गई। प्लांट परचेज ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट 180,000। इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, नॉट इन द ईयर ऑफ सेल, यूजिंग 10% स्ट्रेट लाइन बेसिस है। रिक्वायरमेंट क्या, व्हाट नेट अमाउंट शुड अपियर ऑन लैम्डा बैलेंस शीट 30th September 2001। बुक वैल्यू फाइंड करनी है एंड की ना। अब ये 2000 के क्लोजिंग है तो 1 की ओपनिंग हो जाएंगे, और अब हमें 1 का क्लोजिंग बैलेंस बताना है, ठीक है। अब इसमें दो टी अकाउंट बनेंगे, कॉपी करते हैं फॉर्मेट ऊपर से कहीं से, लेजर का टी अकाउंट कहाँ जैसे। हाँ थी, नहीं बात ज्यादा शुरू
आराम बैठे होते ना, फिर नहीं आते। इसमें भी एक पॉइंट और आपको यहाँ समझ आएगा, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, 13 को, ठीक है, तब आपका 15 आ जाएगा ना। ओके, कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 8,60,000, 8,60,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 3,97,000। अब क्या है? ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग है प्लांट विद रिटन डाउन वैल्यू सोल्ड फॉर 49। अच्छा, डिस्पोजल के एंट्रीज बताएं क्या क्या होती है। एंट्री थी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा, और प्लांट एंड मशीनरी एसेट क्रेडिट हो जाते हैं। अच्छा, पहली एंट्री बनेगी कॉस्ट से। कॉस्ट कितनी है इसकी? जिसकी कॉस्ट है आपकी 80,000, ठीक है। सेकेंड एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? गिवन नहीं है। कॉस्ट कितनी है? 80,000। बुक वैल्यू कितनी है? 37। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? 43,000 हो जाएगा। कॉस्ट 80,000 है, रिटेन डाउन वैल्यू 37,000, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 43। जो थर्ड एंट्री होती है सेल प्रोसीड की, वैसे उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन लिख लेते हैं। सेल प्रोसीड, सेल कितने में कर रहे हैं? 49,000। अब एंट्री से आप पोस्ट करते हैं, पहले एंट्री क्या? डिस्पोजल डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट, डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे डिस्पोजल। सेकंड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहे हैं, 43,000 से डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा डिस्पोजल। तो थर्ड एंट्री पोस्ट करने की जरूरत फिलहाल नहीं है, क्योंकि हम कैश अकाउंट नहीं बना रहे, सही। ये डिस्पोजल की एंट्रीज हो गई। इसके बाद है प्लांट परचेज ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट 180,000। ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे कैश या बैंक लिख लेते। इसके बाद अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा करंट ईयर का, तो फिर उसके बाद बुक वैल्यू आएगी। तो अकाउंट क्लोज करते हैं पहले। कॉस्ट अकाउंट टोटल आ गया 10,40,000, और इसके क्लोजिंग बैलेंस आएगा 9,60,000, ठीक। अब हमें इसका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना होगा ना, क्योंकि अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए हमें इसका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए होगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अच्छा बताइए, मशीन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, पॉलिसी यहाँ पर क्या दी हुई है? 10% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, मतलब वो 10% ऑन कॉस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करें? 960 का 10% लें, या उसी तरह से मंथ वाइज कैलकुलेशन करें जो अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, कौन सा था? 13 किया था ना। और ये जो हमने अभी डेप्रिसिएशन निकाला था, ये वाला 13, इसमें पे किया अकाउंट दिया हुआ था आपको। तो अब इस तरह डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, ये सेम वही किया अकाउंट आ गया हमारे पास यहाँ भी ना, यहाँ दिया हुआ था, तो ये कैलकुलेशन हो गया, चेंज होगा इसमें। क्या चेंज क्यों? नहीं, देखिए यहाँ पर पॉलिसी क्या है? प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर प्रोपोर्शनल था ना, इसमें हमने मंथ वाइज कैलकुलेशन की थी, और यहाँ पर पॉलिसी क्या है? क्या लगे था? फुल ईयर है ना। फुल ईयर में क्या होगा, अब ये समझने देंगे। पहले बता दो, फुल ईयर जब भी होगी करना है क्या आपने, उसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो उसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है,
प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 9,60,000। इसका 10% कैलकुलेट कर लें, ये आपके पास करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 96,000। फुल ईयर में आपको वो मंथ वाइज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस है उस पर आप परसेंटेज लगा दें, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाए। अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ ये फुल ईयर में क्या होता है, पूरी पॉलिसी क्या है। इट इज अ कंपनीज पॉलिसी टू चार्ज अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। एसेट एक्वायर करेंगे फुल ईयर चार्ज होगा, नन इन द ईयर ऑफ सेल, डिस्पोज करेंगे तो उस पर चार्ज, ये कंप्लीट पॉलिसी होती है कि जिस ईयर परचेज करेंगे फुल ईयर का चार्ज करेंगे, पर जिस ईयर में डिस्पोज करेंगे उस ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। अब इसको जरा वन बाय वन सॉल्व करके देखते हैं। 8,60,000 का ओपनिंग बैलेंस था, इसमें से हमने 80,000 के एसेट डिस्पोज कर दिए, तो 80,000 पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम इस तरह लिख सकते हैं कि 8,60,000 माइनस 80 कितना आ गया, 780। 780 का 10% कितना आएगा, 78,000 आ जाएगा। ये तो ओल्ड मशीन्स का हो गया ना, 8,60,000। अच्छा अब ये न्यू मशीन हमने खरीदी 1,80,000 की, इस पर फुल ईयर चार्ज होगा 10%, कितना बनेगा 18,000। अब 78,000 और 18,000 को ऐड कर लें, टोटल क्या बन रहा है दोनों का, 96,000 आ रहे, सही क्लियर। उसमें याद ये रख लें, आप जब भी फुल ईयर पॉलिसी होगी तो आपने क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस पे परसेंटेज लगाएंगे, आपके पास करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाए, क्लियर। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने बताया पॉलिसी क्या। देखें ओपनिंग बैलेंस कितना था, 8,60,000, हमने डिस्पोज कर दिया 80,000, इस पर तो चार्ज नहीं होगा। 8,60 माइनस 80 कितना रहेगा, 780, 10% निकाल लिया 78,000। ये न्यू एसेट खरीदा था हमने तो इस पर फुल ईयर चार्ज करेंगे, फुल इन द ईयर ईयर ऑफ चार्ज एक्विजिशन एंड इन द ईयर ऑफ चार्ज लिखा था ना, ये फुल ईयर कितना है 80, दोनों को ऐड करें तो बात वही हो गई कि अगर आप डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस का 10% निकाल लें। तो अब ये पॉइंट याद रखना, जहां प्रोपोर्शनल की बात होगी वहां आप मंथ वाइज कैलकुलेट करेंगे, जहां फुल ईयर की बात होगी वहां आपने डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस पे परसेंटेज लगानी है, आपके पास करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। अब इसको पोस्ट करेंगे, इसकी एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, एडिट हो गया, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। के बाद अभी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, क्या आ रहा है, 493,000। 493,000 माइनस करें 43,000, क्लोजिंग बैलेंस आएगा 4,50,000 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करनी है, नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट 9,60,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,50,000, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 5,10,000, ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या था, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, ठीक है ये कॉपी कर लें। अच्छा अब ये क्वेश्चन है कि हमारा 12, इसमें भी एक पॉइंट है ये भी समझ लें। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी सोल्ड अ मोटर व्हीकल ऑन 1 सितंबर फॉर 800। द मोटर व्हीकल हैड ओरिजिनली कॉस्ट 24,000। कंपनीज पॉलिसी टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 20% ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन एसेट्स हेल्ड एट द ईयर एंड। व्हाट वाज द रिजल्टिंग प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल। लॉस गेन कैलकुलेट करना है वो तो आसान है, इसमें ये बताएं डेप्रिसिएशन कितने इयर्स का चार्ज होगा, तो ये परचेज कब की है, 24,000 ऑन 1st Jan 20x1। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पॉइंट यही है सिर्फ कि डेप्रिसिएशन कितने इयर्स का चार्ज करना है, बाकी लॉस गेन को कैलकुलेट हो जाएगा इजीली। तो पहले 2001 एक्सपेंसेस फॉर्मूला ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कॉस्ट कितनी है, 8,000
8,000 का 20%, 1,600 आ जाएगा। अच्छा 2,002 सेम रहेगा आंसर, स्ट्रेट लाइन है तो ये ईयर टू में भी क्या आएगा डेप्रिसिएशन, बल्कि 1 मिनट सही, 1,600 और कॉस्ट 1 मिनट, और ये तो सोल्ड फॉर 8,000, कॉस्ट 24 है, गलत लिख दिया मैंने, 24,000 का 20%, 4,800, कॉस्ट तो 24,000 है, 4,800 के बाद है 2,003, कितना आएगा 4,800 आ जाएगा। अच्छा भी आता है 2004, 2004 में कितने मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या नहीं, सोल्ड कर रहे हैं 1 सितंबर को, कितने मंथ्स हुए वैसे, 9 या 8, 1 सितंबर है तो 31 अगस्त तक 8 मंथ्स हुए ना, तो अब 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है पॉलिसी पे, प्रोपोर्शनेट है या फुल ईयर, तो इसमें बताएं क्या लिखा हुआ है, इसमें फुल ईयर होगा नहीं, तो मेथड है स्ट्रेट लाइन का, तो मेथड उससे क्यों फुल ईयर, कहाँ ईयर एंड लिखा है, इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ लिखा है स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन एसेट्स हेल्ड एट द ईयर एंड, इसका मतलब क्या है, ऑन एसेट्स एसेट्स हेल्ड एट द ईयर एंड, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, जो एसेट ईयर एंड पर होगा आपके पास, जो एसेट ईयर एंड पे होगा उस पर 20% चार्ज करेंगे, ठीक है, और ये सोल्ड कब कर रहे हैं, सेप्टेम्बर, ईयर एंड कब हो रहा है इनका, अच्छा वो मेंशन नहीं है लेकिन स्टार्ट बताती है जनवरी 1 है ना, एंड होगा दिसंबर, तो सोल्ड हम कर रहे हैं सेप्टेम्बर में ईयर एंड से पहले, तो ईयर एंड पे ये एसेट हमारे पास नहीं होगा, तो इसलिए डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं करेंगे, तो ये पॉलिसी है ना, ईयर एंड पे जो एसेट होगा उस पर 20% चार्ज करेंगे, लेकिन ये एसेट हमने सोल्ड किया है सेप्टेम्बर में ईयर एंड से पहले, तो 2004 का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं, ठीक, क्या 3 ईयर्स का डेप्रिसिएशन, इसको ऐड करके एक्यूमुलेटेड कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,440 ये आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब लॉस गेन कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेशन आसान है, कॉस्ट कितनी है 24,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 14,400, नेट बुक वैल्यू 9,600, सेल प्रोसीड 8,000, तो 1,600 का गेन हुआ लॉस, गेन लॉस, लॉस हो जाएगा 1,600 लॉस ऑन डिस्पोजल, ये कॉपी कर लें,